वेल गाइस, तो फाइनली अब से कुछ मिनटों के अंदर WWE के इस हफ्ते का स्मैकडाउन शुरू होने वाला है। और आज यहां पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहां पर WWE के किंग ऑफ द रिंग के क्वार्टर फाइनल के अंदर ब्लड लाइन के मेंबर तमा तोंगा एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो यहां पर स्मैकडाउन के ऊपर LA नाइट को फेस करने वाले गए। और डेफिनेटली आज यहां पर इस मैच के अंदर ब्लड लाइन की तरफ से मैच के अंदर हैवी इंटरफेरेंस होगी। और देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहां पर तमा तोंगा LA नाइट को हरा कर आज यहां पर इस मैच को जीत जाते गए तो गाइस WWE के किंग ऑफ द रिंग के फाइनल के ऊपर तमा तोंगा किसको फेस करते गए। और गाइस हफ्तों तक WWE में जेकब फातू के डेब्यू के रूमर चलने के बाद क्या आज यहां पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर जेकब फातू WWE पर डेब्यू करते हैं या नहीं, क्योंकि गाइस इसके बाद WWE का जो गो होम एडिशन स्मैकडाउन होगा वो यहां पर अमेरिका में ना होकर बल्कि सऊदी अरबिया में होने वाला है। और गाइस क्योंकि इस चीज को लेकर लगातार रूमर चल रहे गए कि जेकब फातू WWE पर डेब्यू करने वाले गए, तो गाइस इसीलिए ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या आज यहां पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर जेकब फातू उनका डेब्यू करते हैं या नहीं। वेल गाइस मुझे पर्सनली इसके 0% पॉसिबिलिटी लगती है कि आज यहां पर जेकब फातू शो के ऊपर डेब्यू करेंगे। बट गाइस डेफिनेटली यहां पर स्मैकडाउन के ऊपर आज एक बार फिर से ब्लड लाइन का काफी सारा अटैक होने वाला है। और डेफिनेटली तमा तोंगा के मैच के अंदर ब्लड लाइन हैवी इंटरफेरेंस करेगी। मतलब ये तो स्मैकडाउन को देखकर ही पता चलेगा कि आज यहां पर WWE के स्मैकडाउन पर क्या होता है।